सुबह से और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीस को निलंबित किए गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृहमंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करें। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है, लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं इस ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे, इसलिए वो ये करके दिखाया। बहुत गिनती में आते नहीं, बहुत सारे सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं, कम से कम सारे लीडर जो हैं सबको, सारे जो लीडर हैं, मैं भी सारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको साथ, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। सर प्रिविलेज कमेटी को भी, वो तीनों के लिए जो मतलब वो पीठासीन के नजदीक चले गए, तो तीनों के लिए, हम सबके लिए नहीं, तीनों के लिए।